जब भी पढ़ाई में मन ना लगने मेरे दोस्त मेरी इन बातों को याद रखना। तू ना पढ़ने के 10 बहाने बना सकता है तो पढ़ने का एक बहाना बना सकता है ना, वो एक बहाना जो तुम्हें बिस्तर से 4:30 बजे उठने को मजबूर कर दे, वो एक बहाना, वो एक गोल जो तुम्हें अनलिमिटेड पढ़ने को मजबूर कर दे, अपने लिए ना सही अपनी उस माँ के लिए जिसने तुम पर बचपन से लेकर आज तक मेहनत किया है, तुम्हारे लिए खाना बनाती है, ड्रेस साफ करती है, अनलिमिटेड काम करती है मेरे दोस्त, सिर्फ आंखों में एक सपने लेकर कि मेरा लड़का पढ़ लिख कर, मेरा लड़की पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, अपने उस पापा के लिए सोच रहा जिन्होंने तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत किया है, तुम्हारे माता पिता ने अपने पसीनों से तुम्हारी लाइफ को सींचा है और मन में बस एक सपना बसा रखा है कि पढ़ लिख कर मेरा लड़का मेरी लड़की कुछ बड़ा व्यक्ति बन जाए। क्या तू उनके लिए पढ़ना नहीं चाहता? चाहता है ना, उन्होंने आज बचपन से लेकर आज तक लाखों रुपए तुम पे खर्च किए हैं, क्या तुम उन पैसों को लाना नहीं चाहते? अरे चाहते हो ना, तो आज और अभी से डिसाइड करो गोल, और तब तक मत रुकना जब तक वो हासिल ना हो जाए। एक पेपर लो, उसमें अपना गोल लिखो और अनलिमिटेड पढ़ो दोस्त, अनलिमिटेड, जब तक उस गोल तक पहुंचना चाहो। क्या पढ़ना है? 7-8 पुस्तकें ही तो पढ़नी है ना, उनमें से कुछ मेन पॉइंट्स एग्जाम में आने वाले हैं। बहुत बड़ा है क्या? दशरथ मांझ को जानते हो? आपको सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो बता देता हूँ। अकेले वो पूरा पहाड़ तोड़ गए अकेले। तुमको क्या पहाड़ तोड़ना? नहीं ना, 7-8 पुस्तकें ही तो पढ़नी है। पढ़ी है क्या? नहीं ना, तो पढ़ना स्टार्ट कर मेरे दोस्त, सुबह शाम अनलिमिटेड पढ़ो, अपने सपनों तक पहुंचने में तुम्हें सफलता मिलेगी, पढ़ाई से ही सफलता मिलेगी मेरे दोस्त। और एक बात याद रखना, भगवान भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो, और जागो उठो और तब तक मेहनत करो और चलते जाओ जब तक मंजिल ना मिल जाए। और एक बात याद रखना, जब तेरा पढ़ाई में मन ना लगे ना, तो एक बात याद रखना, तू नहीं पढ़ रहा हो तो कोई ना कोई तुम्हारे क्लास का, तुम्हारे कंट्री का या कहीं कभी पढ़ रहा होगा, और तू जिस क्षेत्र में जाना चाहता है ना, अगर वो उस क्षेत्र में आ गया तो वो तुमसे जीत जाएगा। और आज हम लोग कई सालों से इतिहास रटते आ रहे हैं, तू आज ठान लिया ना तो मेरे को इतिहास रटना नहीं इतिहास रचना है। क्या बोला मैंने? इतिहास रटना नहीं इतिहास रचना है, तो कसम से कोई माई का लाल नहीं होगा जो तुम्हें रोक सकता है। तू ठान ले कि इतिहास रटना नहीं मेरे दोस्त, इतिहास रचना है। Wish you all the best.